गुजरात में कमल ने कमाल कर दिया, पूरे प्रदेश में उत्सव हो गया, कमलम में महोत्सव हो गया, कहीं जनता थिरकी, कहीं कार्यकर्ता नाचे, कहीं नेता झूमे, ढोल की थाप, नगाड़ों के शोर और घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि। गुजरात में मौसम ऐसा हुआ मानो आज ही होली, आज ही विजयादशमी और आज ही दिवाली हो। बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल कर दी है और इस जीत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा ही बीजेपी को जीत दिलाने के लिए गुजरात में काफी है। तरह तरह तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप गुजरात में बना बुझे का गाना भी यहाँ पर बजता सुनाई देगा और भाजपा का जो परचम है वो लहराएगा, इतना विश्वास है यहाँ पर। जो गुजरात में आज तक नहीं हुआ, पीएम मोदी ने वो कर दिखाया। विशाल विजय, अद्भुत जनादेश, चुनावी राजनीति में अनूठा कीर्तिमान है ये जीत। भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद गुजरात में इतनी बड़ी विजय कभी नहीं मिली थी। सिचुएशन सर, गुजरात में नया रिकॉर्ड बन रहा है जी। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है, एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। गुजरात का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट एक व्यक्ति है, उनकी सेवा है, उनका समर्पण है, उनका किया गया अपना कार्य है। गुजरात का एक पुनर्निर्माण है और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता खुशी में जश्न मना रही है, कार्यकर्ता विजय का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में प्रभु श्री राम का नाम, भारतीय जनता पार्टी का काम, आपकी बदजुबानी और कांग्रेस के रावण ने बाकी सबका काम तमाम कर दिया। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि 27 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी पर गुजरात ने अद्भुत भरोसा दिखाया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत इसलिए मामूली नहीं है कि आए चुनाव के बीच मोरबी जैसे हादसे के बावजूद बीजेपी के जनाधार का बाल भी बांका नहीं हो सका। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आदिवासी, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को पछाड़ते हुए गुजरात ने सिर्फ विकास के नाम पर वोट किया है। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। जिस गुजरात में 42 साल पहले बीजेपी का चुनावी सफर 9 सीटों से शुरू हुआ था, उसे पीएम मोदी ने सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है। ये विजय सिर्फ विधानसभा सीटों के हिसाब से नहीं बल्कि विधानसभा सीटों में जीती गई सीटों के कुल प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। ये जीत उस गुजरात में दर्ज की गई है जहां कभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाया था। आज से 37 साल पहले 1985 में कांग्रेस ने गुजरात में 182 सीटों में से 149 सीटें जीती थी और उसी लक्ष्य को जीतने का प्रण पीएम मोदी ने इस चुनाव के शुरू होते ही कर दिया था। अन्य वातावरण जो इन कहूँ छो कि आ वक्ते गुजरातनी जनताए नरेंद्रना रेकॉर्ड तोड़ी ने
ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે. ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट ही नहीं फिक्स किया था बल्कि उन्हें भरोसा था कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी. 150 हाँ 150 सीटें पुराने 27 सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे. मोदी जी खुद बोला है कि नरेंद्र का सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना चाहिए. लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा. मेरा ऐसा लग रहा है. और इस भरोसे के पीछे मोदी थे. बीजेपी के काम पर विश्वास था, गुजरात की जनता का अभिमान था और विपक्ष के नाकामी से आराम भी था. फिर तो बीजेपी ने कहकर जीत लिया गुजरात. अहमदाबाद से सौरव वक्तानिया और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो.